हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ठंडे के मौसम में लेके आई हूँ झाग वाली कॉफी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही इजी से ये आसानी से घर में बन जाएगा बिना कोई झंझट के। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यह चॉपर लिया है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच कॉफी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें 5 चम्मच में चीनी ऐड करूंगी। इसमें मैंने बॉइल्ड बहुत ही गर्म वाटर लिया है, मतलब खौला हुआ पानी लिया है। इसमें 3 चम्मच में इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे। इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है, अब इसे हम मिक्स करेंगे। हमारा कॉफी अच्छे से बीट हो चुका है, देखिए इसमें कितना झाग बना है, देख सकते हैं। अब इसे हम एक कांच के बॉल में ट्रांसफर कर देंगे। मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया है, दूध में पानी नहीं डालना है, इसे अच्छे से बॉईल करना है। दूध में हम शुगर ऐड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ कॉफी मग लिया है, उसमें मैं बीट किया हुआ कॉफी इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच। दूध भी हमारा बॉईल हो चुका है, दूध को हमें अच्छे से बॉईल करना है। 2-4 उबाल आने तक इसे हमें पकाना है। अब बॉइल्ड दूध को हम कप में डाल देंगे, इसे हम थोड़ा हिला लेंगे, फिर बाकी का जो दूध है वो हम ऐड कर लेंगे। ऊपर से 1/2 चम्मच और कॉफी का जो हमारा बैटर है वो डालेंगे। डेकोरेशन के लिए ऊपर थोड़ा सा हमें कॉफी पाउडर ऐड करेंगे। हमारा कॉफी ताकि सुंदर दिखे। ये जो हमारा बैटर है इसे 1 सप्ताह तक आराम से आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसे कांच के ही बॉल या कांच के कंटेनर में ही इसे हमें रखना है। इसे फ्रिज में स्टोर करके आराम से इसे 1 वीक तक हम लोग यूज कर सकते हैं। जब भी आपको कॉफी पीने का मन करे तो सिर्फ दूध को बॉईल करना है और इसमें 2 चम्मच डाल करके दूध उसमें ऐड करके झटपट से ये कॉफी हमारी झाग वाली कॉफी तैयार हो जाएगी। देखिए हमारा झाग वाला कॉफी बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए इसमें कितना सारा झाग आया है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में लग रहा है ये। तो आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए हुए, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए।